कोयला घोटाले की जांच कर रही संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारों ने कोयले के खदान बांटने में काफी मनमानी की और राजस्व को भारी चूना लगाया। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी और यूपीए सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। बीजेपी ने सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी। कोयला आवंटन घोटाले ने एक बार फिर संसद को ठप कर दिया है। संसद की स्थायी समिति ने जो रिपोर्ट दी है उससे मौजूदा ही नहीं पूर्व की केंद्र सरकारें भी कटघरे में आ गई हैं। 93 से 2008 तक अभी तो इतना कोल ब्लॉक 218 कोल ब्लॉक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना कोल दे दिया लेकिन सरकार को एक तो पैसा नहीं है कोल ब्लॉक में, यही तो नेचुरल रिसोर्सेस हैव बीन गिवन विदाउट एनी प्राइस। रिपोर्ट के मुताबिक 1993 से 2008 तक 218 कोल ब्लॉक आवंटन में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिसे सरकारी खजाने को हुए घाटे के नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कमेटी के मुताबिक जिस तरह से कोल ब्लॉक आवंटन के लिए बगैर नीलामी की गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, उससे लगता है कि ये सब निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। बीजेपी ने इस रिपोर्ट के बाद सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांग लिया है, जिसे सरकार साफ तौर पर नकार रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा दें, अश्विनी कुमार को बर्खास्त किया जाए। बीजेपी तो अपनी सफाई के लिए ये सब मांगे कर रही है। तरस रहे हैं कि किसी न किसी तरह सरकार हट जाए और ये सपने देख रहे हैं कि ये वो इस कुर्सी पे बैठेंगे। दूसरों पर लांछन मरने से अपने आरोप छुप नहीं जाते। कमेटी ने अपनी सिफारिश में उन सभी कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की है जहां उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। साथ ही उन लोगों की जांच कर कार्रवाई की सिफारिश की है जो सीधे या परोक्ष तौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। आई हैव सेड दैट द पॉलिसी व्हिच वाज अडॉप्टेड दैट वाज बैड, दैट वाज इलीगल, दैट वाज अनऑथराइज्ड, फिनिश्ड। हु इज ब्लेम्ड, हु कैन बी ब्लेम्ड, हु विल नॉट बी ब्लेम्ड, दैट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शुरू हुए हंगामे के बाद राज्यसभा बुधवार तक और लोकसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। समय के लिए आशुतोष भाटिया के साथ संजीव त्रिवेदी।